डे ऑफ द चैंपियनशिप नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैचेस इन कोर्ट नंबर। हमारा स्टेडियम तैयार हो रहा है जिस स्टेडियम नाम कर पिछली बार हमने महाराज छत्रसाल के नाम से किया। तलैया फील्ड को भी अच्छा बनाएंगे और भी खेलों के प्रति जो सुविधाएं हो सकती हैं उनको देने का काम। पन्ना की जनता से क्या अपील करेंगे? पन्ना की जनता से अपील करता हूं, आज पूरे देश भर के लोग आए, आज उनका मार्च हुआ था सभी खिलाड़ियों का, तो पन्ना की जनता ने जिस प्रकार से तहे दिल से पलक पावड़े बिछाकर स्वागत खिलाड़ियों का किया, जो देश भर के लोग आए नौजवान, मैं चाहता हूँ कि 22 तारीख तक हमारी जो प्रतियोगिता है सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए तो लघु भारत यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सभी पन्ना के नागरिक नौजवान यहाँ पर वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में आए, देखें और खिलाड़ियों। भगवान जुगल किशोर की नगरी हीरों की धरती पन्ना में राष्ट्रीय स्तर को बड़ो वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज से शुरू हो है। पूरे देश के हर प्रदेश के लड़का लड़कियाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दर्शक भी उमड़े। शुरुआत के दिन आज सवेरे पन्ना में पूरे देश भर के खिलाड़ी जब गलियों में निकले सो लोगों ने उनको भव्य स्वागत करे और ई के बाद कार्यक्रम स्थल पे यानी तलैया मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा के संग ही विधानसभा के अध्यक्ष और कई मंत्री समेत बड़े विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में जो भव्य टूर्नामेंट शुरू हो है। पांडे मुन्ना पेंट जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय टीम अनेकों खिलाड़ी अनेकों कोर्ट नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश वर्सेस उड़ीसा, कोर्ट नंबर 5 पर टीम मैनेजर्स कोच राजस्थान आपका मैच है। ये हाइट मारो संजय, हाइट मार वाला। कोर्ट नंबर 2 पर उड़ीसा वर्सेस गुजरात, कोर्ट नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश वर्सेस झारखंड, कोर्ट नंबर 6 पर तेलंगाना वर्सेस बिहार। सेकंड में कमाल कर गए कर्नाटक के खिलाड़ी, सेकंड मैच के लिए कोर्ट नंबर 1 महाराजा छत्रसाल की इस धरती पर किशोर जी भगवान की इस धरती पर 25वीं नेशनल यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप बॉयज और गर्ल्स की आज इसका उद्घाटन यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी ने, हमारी पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर जी और हमारा पूरा नेतृत्व आज यहाँ पर उपस्थित था, उन्होंने आज इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की है। 22 तारीख तक चलेगी। आज पन्ना का जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, सभी राज्य और 4 केंद्र शासित राज्यों के 900 खिलाड़ी नौजवान हमारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं, 250 के करीब कोचेज और रेफरी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक लघु भारत आज पन्ना के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी सामने देखो कि हर क्षेत्र के मणिपुर से लेकर के सिक्किम और पता नहीं केरल सभी राज्यों के लोग, एक लघु भारत जैसा स्वरूप आज पन्ना के अंदर दिखाई देता है। पन्ना के नौजवानों में, पन्ना के लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है और वॉलीबॉल के नौजवान जो यहाँ पर 22 तारीख तक ये जो चैंपियनशिप चलेगी, इसके बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे ये ऑल इंडिया वॉलीबॉल की टीम के लिए सेलेक्ट होकर के देश के अंदर भारत का नेतृत्व, दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उनके आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप पिछली बार हमने खेल महोत्सव शुरुआत किया था, हर
पंचायत से मंडल से लोगों को निकाला था जो ट्रेडिशनल गेम्स में, इस बार हमारी वॉलीबॉल की जो नेशनल चैंपियनशिप है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ आज हम इसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड में भी वॉलीबॉल के प्रति लोगों का लगाव है। हर पंचायत में गांव-गांव के अंदर वॉलीबॉल के प्रति लोग जागरूक बने और खेलें, और अन्य ट्रेडिशनल गेम्स में भी हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा प्रशासन, शासन, हमारे कलेक्टर, हमारे SP जो खेलों को देखते हैं, जो खेल की जो टीम हमारी यहाँ की है, सब लोगों ने मिल करके, हमारे प्रहलाद जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी लोग मिल करके, हमारे जिलाध्यक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारी यूथ विंग, सभी लोग इस काम में लगे हैं कि देश भर के जो खिलाड़ी आए हैं उनके स्वागत में मान सम्मान के साथ व्यवस्था अच्छी बने। एक अलग आनंद आज दिखाई देता है कि पन्ना में पूरा लघु भारत जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जो खिलाड़ी यहाँ से खेल करके जाएंगे पन्ना के टूरिज्म में, टाइगर रिजर्व, डायमंड, खजुराहो का आइकॉनिक सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज, ये सब भी वो देखने का काम यहाँ पर करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आगामी समय में G20 देश, जो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत के अंदर जो बैठकें हो रही हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें भी अवसर मिला है खजुराहो के अंदर 4 बैठकें होंगी, दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, वो पन्ना के टाइगर रिजर्व और डायमंड सिटी को भी, डायमंड को भी देखने का काम करेंगे। तो पन्ना इसके लिए भी तैयार है, उनके स्वागत और सत्कार के लिए हम सब जुटे हैं। आज मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, सभी आयोजक हमारे जो हैं, प्रशासन ने जिस प्रकार से तलैया फील्ड को तैयार किया है, ये थोड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन सबने मिलकर के इसकी तैयारी की। और इस ग्राउंड का नाम भी हम यहाँ के स्थानीय जनता से, मैंने अपील किया कि इसका नामकरण क्या हो पन्ना के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर, ऐतिहासिक किसी परिप्रेक्ष्य में नाम जो सुझाव आएंगे उनमें से अच्छा जो नाम होगा उस नाम को इस तलैया फील्ड का नामकरण करेंगे। और एक आधुनिक स्टेडियम ये बनेगा, एक स्टेडियम बन रहा है, तैयार हो गया लगभग, और ये भी इसमें भी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की इच्छा है कि इसको हम इंडोर स्टेडियम बनाएं, तो हम इसको लेकर के प्रयास करेंगे कि स्टेडियम एक अच्छे से अच्छा और बने। अध्यक्ष जी, पन्ना के आराध्य देव जुगल किशोर जी हैं, उनके कॉरिडोर की आपने बात कही। जुगल किशोर जी, भगवान के आशीर्वाद से ही आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। जब पन्ना के अंदर मैंने प्रवेश किया था, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा था कि आपको चुनाव यहाँ से लड़ना है, तो मैं भगवान के आशीर्वाद लेकर के ही मैंने कदम रखा था। अभी वहाँ पर एक अच्छा हम हॉल तो हम तैयार कर रहे हैं, प्रवचन हॉल जिसको हम कहते हैं, आगामी समय में अभी पूर्व मिनिस्टर से भी हमने मांग की है कि एक अच्छा किशोर जी के मंदिर को लेकर के कॉरिडोर जैसा बने, और वहाँ पर आवागमन से लेकर के जो देश भर के लोग आते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सुविधाएँ बने, तो इस दिशा में भी हम एक प्रयास करने वाले हैं। और आदरणीय हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा है कि महोत्सव की शुरुआत हम करेंगे, और किशोर जी भगवान के उस पर एक महोत्सव और टूरिज्म के एजेंडे में लेंगे, कैलेंडर में लेंगे, उन्होंने घोषणा की है, तो उस पर जो जो संभव हो सकता है इस दिशा में भी किशोर जी का आशीर्वाद। देखिए, हम कुछ नहीं करते, हमसे तो वो सब कुछ कराता है, हमें वो शक्ति देते हैं, तो हम भी कुछ करने के योग्य बनते हैं, इसलिए जो जो संभव हो सकता है उनके आशीर्वाद से हम सब लोग मिलकर करने का। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप क्या अपील करते हैं खिलाड़ियों? देखिए, मैं भी वॉलीबॉल का बेस्ट जोन से यूनिवर्सिटी टीम की ओर से खेला हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछली बार जब खेल महोत्सव किया था, ट्रेडिशनल गेम्स उसमें सम्मिलित किए हैं, बेटी और बेटियाँ भरी धूप में, हमने जून में किया था पिछली बार, मई जून के अंदर किया था, इतना चार में इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों में, जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है। अभी हम सांसदों को दिल्ली के अंदर भी 4 दिन पहले कहा, कोई भी सांसद ऐसा नहीं होगा जिसने खेल महोत्सव नहीं कराया हो, तो हमें तो अवसर मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है। इस दिशा में खेल महोत्सव की भी हम आगामी समय में युवा महोत्सव और खेल महोत्सव दोनों को करेंगे, और इस खेल के माध्यम से खेल नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा, अनुशासन का पाठ प्रैक्टिकली कहीं कोई सीखता है तो खेल के माध्यम से आता है, और दूसरा सेना में आता है, तो इसलिए खेलों के माध्यम से पन्ना मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर खिलाड़ियों में देशभक्ति का भाव और अनुशासन की भावना के साथ देश को आगे ले जाने का जो संकल्प है वो खेलों के भावना से आता है। इसलिए मैं सभी नौजवानों से सबसे अपील करता हूँ कि कुछ न कुछ खेल में इन्वॉल्व होकर के अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो आप कुछ भी संकल्प पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सभी नौजवान खेलों के माध्यम से अपने संकल्प को भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे,
और मैं इस प्रतियोगिता पर सभी को बहुत बहुत आने वाले देश भर के सभी जो खिलाड़ी आए। देश भर के करीब 900 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और 22 तारीख तक जो टूर्नामेंट पन्ना में खेले जे है और ई के संग गई पूरो पन्ना खेल के रंग में रंगो नजर आए। सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों को नेशनल चैंपियनशिप के प्रोटोकॉल को मानना होता है और हम सब मानते हैं उसको। तो डायस के सामने से ये जो निकलने का भी चल रहा है ये सब हम बंद करेंगे। वेलकम टू द 23rd यूथ नेशनल वर्ल्ड वर चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन एट पन्ना मध्य प्रदेश। Today is the first day of the championship. Now we are going to start the matches. Court number 2, men section match, Kerala versus Karnataka. Court number 3, women section match, Punjab versus Goa. Court number आपके सब सदस्य कर्म मैच देख रहे हैं। सेकंड में तुम्हें क्या कमाल कर रहे हो तो है होता है और नजर भी बना है खिलाड़ी। हां तीन ये चलो करवा देते मारा सर सेकेंड मैच के लिए कोर्ट नंबर 1, 2, 3 कोर्ट नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश वर्सेज उड़ीसा। कोर्ट नंबर 5 पर टीम मैनेजर कोच राजस्थान आपका मैच है। ये हाइट मारा संजय हाइट मार वाला। कोर्ट नंबर 2 पर उड़ीसा वर्सेज गुजरात। कोर्ट नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश वर्सेस झारखंड। कोर्ट नंबर 6 पर तेलंगाना वर्सेस बिहार। श्री डब्बू मिश्रा जी आपको कुछ व्यवस्था। सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों को नेशनल चैंपियनशिप के प्रोटोकॉल को मानना होता है और हम सब मानते हैं उसको। तो डायस के सामने से ये जो निकलने का भी चल रहा है ये सब हम बंद करेंगे। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस जहां पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।